हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आईसीएल के बारे में। आईसीएल की फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं। आईसीएल की फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कोलिमर लेंस। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये कौन लोग कराते हैं। आईसीएल प्रोसीजर वो लोग कराते हैं जिनको आई के विज़न में प्रॉब्लम है, यानी जैसे हम और आप चश्मा पहनते हैं आई के विज़न को ठीक करने के लिए, या फिर हम लेज़र कराते हैं आँखों के विज़न को ठीक करने के लिए। उसी के का ये एक और पार्ट है जिसमें आईसीएल जिसको हम कहते हैं, और इसके अंतर्गत एक लेंस होता है जो कि आँखों में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे आँखों की जो विज़न की प्रॉब्लम वो सही हो जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आईसीएल के बारे में तो हम और आप नहीं जानते, बिकॉज हमने या तो चश्मे को यूज़ किया है या फिर हम डायरेक्टली लेसिक लेज़र के बारे में जानते हैं जो बहुत पॉपुलर है। लेसिक लेज़र पिछले कुछ 10 से 15 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसी वजह से आज वो हर बंदे की फर्स्ट चॉइस बनता है अगर वो अपने चश्मे को हटाना चाहता है। लेकिन अगर बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से देखा जाए या बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो आईसीएल प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इंस्टेड ऑफ दूसरे प्रोसीजर्स की अपेक्षा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं और इनसे दूसरे प्रोसीजर कराते हैं अगर आप तो किस तरीके से ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। व्यूअर, जब भी हम कभी डॉक्टर से मिलते हैं तो हम सबसे पहला उससे सवाल लेसिक लेज़र के बारे में पूछ लेते हैं, और उसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं हमारे मन में, और इसी वजह से डॉक्टर्स आपको आईसीएल के बारे में नहीं बता पाते हैं। अगर वो बताते भी हैं तो हम इस ऑप्शन को इसलिए चूज़ नहीं करते बिकॉज हमें ये लगता है कि जब आँखों में एक लेंस पड़ेगा तो लेंस तो उन लोगों के पड़ता है जिनको मोतियाबिंद हो जाता है, या जो बूढ़े हो जाते हैं, या हमारे जो घर के दादा दादी हैं हमने ये सुना है कि उन्हीं के लेंस पड़ते हैं, तो इसलिए ये टेक्निक हम क्यों कराएँ, क्योंकि ये तो बुढ़ापे में कराई जाने वाली टेक्निक है। इन्हीं कंसिडरेशंस की वजह से हम ना तो इस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं और ना ही इसको अपनाना चाहते हैं। व्यूअर, चलिए अब ये जानते हैं कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। इस प्रोसीजर के अंतर्गत जो हमारा ये जो ब्राउन एरिया है आँख का, या जो ब्लैक एरिया है इस आँख का, इसके ठीक नीचे और जो इसके अंदर जो नेचुरल लेंस है हमारी आँख का जो सिकुड़ता और फैलता है, उसके दोनों के बीच में एक माइक्रो पंचर करके इस लेंस को इंसर्ट किया जाता है, और जिससे ये हमारे आँखों के विज़न की जो प्रॉब्लम है उसे करेक्ट कर देता है। और इस टेक्निक से आपको एक शार्प विज़न मिलता है, और आँखों में ना तो आपको लेसिक कराने की ज़रूरत है और ना ही चश्मे को यूज़ करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये टेक्निक रिवर्सिबल है। अगर आप चाहें तो इस लेंस को कभी भी, जब भी आपको जितने सालों के बाद अगर कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप इसे निकलवा भी सकते हैं और नॉर्मल फिर चश्मे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को कराने के कितने दिनों बाद आप रिकवर हो जाएंगे, तो इसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको कराने के 2 से 4 हफ्तों में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और इस प्रोसीजर को किस एज में कराना चाहिए, तो उसके लिए भी 21 साल से 45 साल की एज को रखा गया है कि इस एज में आप इसको करा सकते हैं। 21 साल इसलिए रखी गई है क्योंकि तब तक शरीर की ग्रोथ पूरी तरीके से हो चुकी होती है, और उसके बाद आँखों में जो नंबर चेंज होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। व्यूअर्स, अगर बात करें खर्चे की, तो इसमें लगभग 55,000 से लेकर 80,000 तक का दोनों आँखों का खर्चा है। व्यूअर्स, डॉक्टर्स का मानना है कि इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, फ़ायदेमंद भी है, आँखों के लिए सेफ भी है दूसरे प्रोसीजर्स की अपेक्षा। और अगर ओल्ड एज में इस प्रोसीजर के बाद भी अगर कभी भी कैटरेक्ट हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कह सकते हैं, तो वो भी आप इसके साथ साथ करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि इस प्रोसीजर की लोकप्रियता इसलिए नहीं है बिकॉज ये लेंस का जो इसमें इंसर्ट किया जाता है, वो हमारे मन में ये रहता है कि ये तो सिर्फ वो लोग करा सकते हैं जिनको मोतियाबिंद हो जाता है, तो इसलिए इस टेक्निक के बारे में लोग नहीं पूछते और ना ही ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी फैमिली में या कोई भी आपके रिलेशन में अगर आँखों में कोई प्रोसीजर कराने जा रहा है या फिर सोच रहा है लेसिक लेज़र के बारे में या फिर कोई और प्रोसीजर के बारे में, तो साथ में आप आईसीएल के बारे में भी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी ज़रूर बात करें। एंड आई होप कि आपको दूसरे ऑप्शन से ज़्यादा बेटर आपको आईसीएल ही लगेगा। वैसे तो मैं लेसिक लेज़र के बारे में भी नया वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं उसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको ये डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में क्या अच्छा है।
और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वन बाय वन सभी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक कलर ब्लाइंडनेस पर और 6x6 आईज पर कैसे आप घर पर चेक कर सकते हैं इस पर एक वीडियो बनाया था, और चश्मे के बेनिफिट्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेज़र से जो ऑपरेशंस होते हैं उनको लेकर आऊँगा, यानी लेसिक लेज़र, और उसके बेनिफिट्स के बारे में आपसे बात करूँगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में ज़रूर अपने सवाल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो लाल कलर का बटन दिख रहा है इसे दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।